Hi guys, this is Shefali Bagga. Welcome back to my YouTube channel. And I know बहुत time बाद मैं ये YouTube video बना रही हूँ. And पहले मैं बनाती थी, live आती थी and Big Boss की खुफिया खबर बनाती थी. कितना मज़ा आता था ना, interaction होती थी, live interaction भी. लेकिन I will try my best कि मैं और ज़्यादा live आऊँ और आपके जितने भी सवाल हैं उनके जवाब दूँ. मैंने अपने Instagram पर शेफाली बग्गा official जो कि मेरा ID है, उस पर ask me a question डाला था. मुझे बहुत सारे सवाल आए हैं, लेकिन कुछ सवाल हैं जिनके मैं जवाब आज देने वाली हूँ. So let's get started. तो कुछ सवाल जो कि इंस्टाग्राम पर लोगों ने मुझसे पूछे थे, जो सिमिलर थे, उनसे मैं स्टार्ट करूँगी. बींग अंडरस्कोर सलमान 9 कह रहे थे कि मॉडलिंग करो ना शिफाली, कहाँ न्यूज़ एंकरिंग में हो आप, सूट ही नहीं करता. नहीं, आई लव न्यूज़ एंकरिंग एंड आई थिंक ये बहुत अच्छी जॉब है एंड क्लासी है. बट या आई विल बी डूइंग मॉडलिंग एंड आई एम प्लानिंग टू डू फ्यू म्यूज़िक वीडियोज़. तो सुपर सून यू विल सी मी ऐसे प्रोजेक्ट्स में. ओके, फुटबॉल अंडरस्कोर फ्रीक अंडरस्कोर 7 कैन वी सी यू अगेन इन रियलिटी शो. नहीं यार, मुझे नहीं लगता कि अभी मैंने किया है बिग बॉस, उससे बड़ा रियलिटी शो शायद है नहीं, तो मैं नहीं करूँगी शायद. वसीम चरखा, आपकी फेवरेट टीम कौन सी है IPL में? यार वैसे तो मेरी फेवरेट टीम चेन्नई होती थी अभी तक, लेकिन मैं बहुत डिसअपॉइंटेड थी चेन्नई कोई परफॉर्मेंस को लेकर. दिस टाइम मुझे लग रही है स्ट्रॉन्ग टीम है दिल्ली और RCB में विराट है, इसलिए मेरी फेवरेट RCB. किरण अंडरस्कोर 91730, हाउ डू यू मेंटेन योर बॉडी दी? यार सी, हेल्थ के बारे में मैंने बहुत बारी बोला है, फिटनेस उसको अपना लाइफस्टाइल बनाओ, एक ट्रेंड नहीं. सो अनीशा इज़ हेल्पिंग मी आउट इन दिस एंड आप मेरा इंस्टाग्राम दे सकते हो. यूट्यूब पर भी मैंने काफ़ी बार बात की है अपने हेल्थ रूटीन के बारे में भी. अच्छा, What's the secret of your खूबसूरती? यार ये ना एक बहुत कॉमन क्लीशे सा सवाल है ये पूछते हो, लेकिन मैं आई कैन सजेस्ट यू फ्यू प्रोडक्ट्स जो आपकी हेल्प करें. ओके, सो आई विल गो विद द फर्स्ट वन इज वासु फेशियल ब्यूटी ऑयल. दिस इज अ प्रोडक्ट फ्रॉम वासु हेल्थ केयर एंड ये जो प्रोडक्ट है ना, इसमें 5 नेचुरल ऑयल्स हैं. कुमकुम आदि तैलम, आर्गन ऑयल है, लेवेंडर ऑयल है. सो इतने नेचुरल के यू नो ऑर्गेनिकली आप अपनी स्किन को ट्रीट कर सकते हो. नेचुरल प्रोडक्ट है एंड मेड इन इंडिया है, सो यू कैन यूज़ इट गाइस. ऑल्सो मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में कि ये आप यूजुअली बेड पर जब आप सोने लगे हो उससे पहले आप लगाओ, 2-3 ड्रॉप्स आप अपनी फिंगर्स पर लो. पहले तो अपना फेस धो लो एंड देन यू नो डोंट रब इट विद द टॉवल, बट आराम से पैट ड्राई करके, बिकॉज इट इज़ द बेस्ट ऑप्शन ऑलवेज. देन इसकी 3-4 ड्रॉप्स आप अपने फेस पर लगाओ, जेंटली मसाज इट एंड इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो एंड इट विल वर्क वंडर्स, बिकॉज ये आपकी पिगमेंटेशन या फिर जो एजिंग हो जाती है, ब्लेमिशेस हो जाते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा एंड आपकी स्किन को अंदर से हेल्दी बनाएगा. इट इज़ अ प्रोडक्ट विच यू कैन टोटली ट्राई एंड आई कैन रीड इट आउट. ये रिंकल्स, ब्लेमिशेस, एज स्पॉट्स भी हटाता है. सो आई विल शो यू के बेसिकली इट इज़ दिस मच एंड आप इस ड्रॉपर से 3 ड्रॉप्स लो या 4 ड्रॉप्स लो अकॉर्डिंगली. आई यूजली यूज़ 3 ड्रॉप्स बिकॉज वो अच्छे से रब हो जाता है एंड आपकी स्किन में ब्लेंड हो जाता है. तो यू कैन ट्राई दिस प्रोडक्ट फ्रॉम वासु, मैं लिंक नीचे अटैच कर दूंगी, इट विल हेल्प यू आउट. एंड एक और प्रोडक्ट है जिसके बारे में मैं बहुत बारी बात कर चुकी हूँ अपने इंस्टाग्राम पर भी और यूट्यूब पर भी, वो ये है न्यूट्रीडर्म का मॉइस्चराइजिंग लोशन. बेसिकली इसकी पैकेजिंग थोड़ी सी चेंज हुई है, लेकिन ये आपकी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है एंड मॉइस्चर को लॉक कर देता है आपकी स्किन में, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. विटामिन ई है इसमें और ऐसा विटामिन ई जो बाकी की क्रीम्स में आपको नहीं मिलेगा. सो यू नो जो अंदर से आपकी बॉडी को और आपकी स्किन को नरिश करेगा एंड आपकी स्किन में ग्लो लेकर आएगा. दिस इज़ ऑल्सो डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड एंड सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स. मेरी थोड़ी सेंसिटिव स्किन है, सो मेरी स्किन पर भी ये बहुत अच्छे से काम करता है. एंड गाइज अगेन, ये मॉइस्चराइजिंग लोशन आप मेकअप लगाने से पहले लगा सकते हो. इसका एक और यूज़ ये है कि मेकअप लगाने से पहले जब आप ये मॉइस्चराइजिंग लोशन आप लगाते हो अपने, यू नो प्रेपिंग योर स्किन बिफोर द मेकअप, सो स्किन केयर के लिए तो ये अच्छा है ही, बट ये आपके जो पोर्स हैं उसको ये लॉक कर देता है. सो दैट व्हेन यू अप्लाई मेकअप, आपका मेकअप आपके स्किन के अंदर, पोर्स के अंदर ना घुसे, तो एक शील्ड यू नो आपके फेस पर बन जाती है.
और आपका मेकअप पैची भी नहीं लगता कुछ टाइम बाद, जैसे आपने 7-8 घंटे के लिए मेकअप वेयर करना है तो आपका फेस पैची नहीं लगेगा। तो आई थिंक यू कैन यूज़ इट, ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है। एंड आई हैव ऑलवेज स्पोकन अबाउट दैट हाइड्रेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप पानी भी पियो एंड ये भी आप यूज़ कर सकते हो। आई थिंक इट इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर यू नो एक्टिवेटिंग द स्किन सेल्स। सो हेल्दी स्किन सेल्स जो भी आपके फेस पे आपकी स्किन में है उनको एक्टिवेट करता है। तो आपकी स्किन को अंदर से ये प्रोडक्ट न्यूट्रीडर्म का हील करता है। मॉइस्चराइजिंग लोशन विटामिन ई 125 ml, मैं नीचे लिंक कर दूंगी, आप कहाँ से खरीद सकते हो उसको, अमेजोन से या कहीं से आप इसको परचेज कर सकते हो। ओके, सो दीज आर फ्यू थिंग्स। बट मैं आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल, जैसे एक सवाल था अभी कि आप अपनी बॉडी कैसे मेंटेन करते हो या फिटनेस कैसे मेंटेन करते हो, इसके बारे में मैंने काफ़ी बात करी है। मेरी डाइटिशियन जो है अनीशा, वो मुझे डाइट ऐसी देती हैं कि यू नो अभी लॉकडाउन में मैं जिम भी नहीं गई हूँ, काफ़ी टाइम हो गया, एंड लॉकडाउन के बाद भी अब इट हैज़ बीन अ वाइल दैट आई हैव मैं जिम नहीं जा पा रही हूँ, और बिग बॉस के बाद भी मुझे इतना टाइम नहीं मिला क्योंकि ट्रैवल करना होता है, बट डाइट ने यू नो वो काम मेरे लिए कर दिया है। सो और यू नो डाइट आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छी होती है। सो अनीशा मुझे कुछ चीज़ें एडवाइस करती हैं खाने को, लाइक शी टेल्स मी दैट आप कुछ यू नो जादुई ड्रिंक्स, यू नो बहुत सारे मिक्सचर्स होते हैं वो मुझे बनाने को कहती हैं। वो अब उनसे कंसल्ट करके आपकी स्किन और आपकी यू नो डाइट चार्ट, आपके रूटीन को देख के वो बता देंगी, आपको डाइट चार्ट बना के दे देंगी। तो वो खजूर मैं खाती हूँ, मैं बहुत सारे फ्रूट्स खाती हूँ, मैं बेसन का चीला या फिर ओट्स का चीला, सूजी का चीला, ये सब कुछ खाती हूँ। बहुत हेल्दी चीज़ें मैं अपनी डाइट के अंदर लेती हूँ। सो यू कैन ऑल्सो यू नो कंसल्ट हर इंस्टाग्राम पर, उनका इंस्टाग्राम आईडी है अनीशा वेट लॉस डाइट, ठीक है, उनका नया इंस्टाग्राम है, पहले वाला कुछ हो गया था, मतलब व्हाटएवर। सो मैं नीचे भी लिंक कर दूँगी कि आपके लिए आसानी हो। ओके, कमिंग बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि आई थिंक के मैंने आपका जो ये जो सवाल है व्हाट्स द सीक्रेट ऑफ योर खूबसूरती का जवाब अच्छे से खूबसूरती से दे दिया होगा। प्रिंस 9000 शाही, BB14 की कंटेस्टेंट निकी के बारे में क्या लगता है, विल शी बी इन टॉप 5? या आई थिंक जैसे वो जा रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जब मैंने उनको फर्स्ट वीक में देखा था, मैं इतना ज़्यादा फॉलो नहीं कर पा रही हूँ, बट जितना मैंने फॉलो किया बिकॉज ऑफ IPL मेरा शो होता है तो मैं मैच देख रही होती हूँ उस टाइम पे, मैच से पहले और मैच के बाद ABP न्यूज़ पर। बट मैं बिग बॉस को जितना मैंने फॉलो किया है, मुझे शुरुआती एक वीक में ऐसा लगा था कि निकी इज़ लाइक शेफाली बग्गा इन द फर्स्ट वीक, जैसे कि मैंने अपना स्टैंड लिया था एंड यू नो आई फॉट फॉर माई सेल्फ एंड माई राइट्स, एंड सलमान वीकेंड के बारे में आए, उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया था, उन्होंने कहा कि शेफाली बहुत अच्छा खेला है तो हमने गेम चेंज कर दी। वैसे मुझे लगा कि निकी हाँ अपने लिए खड़ी हुई है, एंड इट्स अ गेम शो और वो गेम की स्पिरिट है कि आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ता है। ओके, हुज़ योर फेवरेट कंटेस्टेंट इन बिग बॉस 14? सागर _ रमनानी 53 का ये सवाल है। अभी जो फेवरेट इन द सेंस एज सच फेवरेट तो नहीं कहूँगी मैं, लेकिन जो मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं और जो जिनको मैं आगे तक जाते हुए देखती हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा दिखाई भी देते हैं एंड उनकी गेम भी अच्छी चल रही है, सो वो है निकी, रुबीना एंड जैस्मिन। मुझे तीनों यू नो गर्ल पावर अच्छे लग रहे हैं इस शो में। हरमिंदर सिंह 0001, आर यू कमिंग इन पंजाबी सॉन्ग्स एज मॉडल इन फ्यूचर? सुपर सुपर सुपरसून, फिंगर्स क्रॉस्ड। ओके, इट्स मैं फरहाना 2020, प्लीज़ आप सना से कब मिलोगे, आंसर करो, आई एम फरहाना फ्रॉम पाकिस्तान। ओके, मैं तो दिल्ली में हूँ और शनाज अभी बॉम्बे में है, सो मैं कोशिश करूँगी कि जब भी मेरा नेक्स्ट चक्कर लगे, बिकॉज अभी लॉकडाउन था तो इट्स बेटर कि हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, अपने अपने घर पे सेफ रहें, लेकिन जब मेरा चक्कर बॉम्बे लगेगा आई विल डेफिनेटली मीट, आई एम मिसिंग हर। HD67768, हु इज़ योर फेवरेट क्रिकेटर? माई फेवरेट क्रिकेटर वॉज धोनी, इज धोनी एंड विल एंड ही विल रिमेन माई फेवरेट क्रिकेटर, बट आई लव विराट। ओके, प्रज्योत मागर 36 कह रहे हैं, आप सिंगल थी तो बिग बॉस 13 में किसी के साथ लव ट्राइंगल चलाती तो शेफाली आप फाइनलिस्ट होती? यार मैं नहीं मानती, आई थिंक ये रियलिटी शो है तो आप जितना रियल हो उतना आप लोगों को दिखाओ, एंड मेरे से फेक नहीं होता, मैं आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड मुंह पे बोलती हूँ, बट आई थिंक दैट वॉज नॉट माई कप ऑफ टी, बट अदरवाइज तो बाकी के कंटेस्टेंट्स थे वो बहुत अच्छा कर रहे थे, ठीक है। ओके, योर होम टाउन विन _ सूर्यवंशी का सवाल, आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली,
मोहम्मद अंडरस्कोर अतीब, इन्होंने भी यही पूछा, देखो आपकी ब्यूटी का राज क्या है? सी, ब्यूटी का राज मैंने आपको बता दिया है, अगर आप इसको राज कहोगे तो मैंने ये राज जो है उससे पर्दा हटा दिया है। ओके, SF8391, शादी कब करोगे? यार मेरा अभी कोई शादी का प्लान नहीं है, एटलीस्ट 3-4 साल तक मैं आई एम टोटली फोकसिंग ऑन माई करियर राइट नाउ। अमन नागपाल, ओके, व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट बिग बॉस 14? इट इज़ गोइंग गुड, आई थिंक अभी थोड़ा सीन पलट रहा है एंड इट इज़ बैक इन द ट्रैक, बट सीजन 13 ही था। दिलप्रीत बिंद्रा 4, सेंड मी योर वन फैमिली पिक। यार मेरा इंस्टाग्राम जाके देख लो, भरी पड़ी है पिक्चर्स, और भी बड़ी अच्छी अच्छी पिक्चर्स हैं, हॉट हॉट पिक्चर्स आपको मिल जाएंगी। ओके, प्रिंस हितेश 99, यू आर सो प्रिटी, मुझे आपसे एक बार मिलना है, माई ड्रीम। यार आई वुड लव टू मीट यू, बट अभी जो सिचुएशन है उस पर प्लीज़ अवॉइड मीटिंग एनीबडी, यू नो, काम से ही जाओ एंड स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। ओके, आई थिंक इनफ ऑफ क्वेश्चंस फॉर टुडे एंड आई विल सी यू गाइस सुपर सून। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझसे सवाल पूछते हो एंड आई एम एबल टू आंसर यू ओवर हियर या फिर ऑन माई इंस्टाग्राम लाइव। सो गाइज स्टे ट्यून्ड एंड आई विल बी सरप्राइजिंग यू विथ समथिंग वेरी वेरी कूल। Take care, guys.